आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जी वास्तव में एक महान व्यक्तित्व के इंसान थे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि जो उनके कुछ मूर्ख बुद्धि के अनुयायी हैं, उन्हें मानने वाले हैं, वो आज तक उन्हें कभी समझ नहीं पाए। ना वो अंबेडकर जी को समझ पाए और ना वो महात्मा बुद्ध को समझ पाए। वैसे ये एक सूक्ष्म वीडियो है। वो लोग अंबेडकर जी की अगरबत्ती, मतलब जहाँ पे भगवान को रखते हैं वहाँ पे उनकी फोटो टांग करके अगरबत्ती और दिए जलाकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वहीं क्या करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं और भगवान विष्णु, भगवान शिव, राम, कृष्ण, इन सभी को मतलब अभद्र टिप्पणियां यानी गाली देते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो क्या उन्हें क्या लगता है आपको, अगर आप ऐसे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या लगता है आपके इस आचरण से जहाँ भी होंगे इस समय भीमराव अम्बेडकर, वो खुश हो रहे होंगे? कदापि नहीं। ये आपकी मूर्खता है, आपकी मूर्खता है। पता है आपको, भीमराव अम्बेडकर जी को उन्हें अम्बेडकर नाम उनके ब्राह्मण टीचर ने ही दिया था, जिनका नाम है कृष्णा केशव अम्बेडकर। और अम्बेडकर एक ब्राह्मण जाति के लिए प्रयोग होता है, ये सब नहीं पता होगा आपको। इनके ब्राह्मण टीचर का नाम था अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर से प्रभावित होकर उनके शिक्षक ने इन्हें अपना नाम दे दिया, मैंने मतलब इनके नाम के साथ अपने नाम को जोड़ दिया, और तब से इनका नाम भीमराव के साथ भीमराव अम्बेडकर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो मूर्खों की सेना बट रही हुई है। ये अम्बेडकर की पूजा करेंगे और उसके बाद ब्राह्मणों को गाली देंगे, भगवान को गालियां देंगे। शर्म करो आप लोग। आप लोगों से जहाँ भी वास्तव में अगर कहीं पर अम्बेडकर होंगे तो वो तुम लोगों से दुखी ही होते होंगे, वो आप लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते होंगे। उन्हें इस बात का भी दुख होता होगा कि ईश्वर को छोड़ करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर के आशीर्वाद से भारत का संविधान रचा। आप उन्हीं ईश्वर को छोड़ करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं, ये सूक्ष्मता से सोचने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने ही अपनी एक पुस्तक हु वियर ए शूद्रास, ऐसे ही कुछ है, उसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब शूद्र वर्ग का कोई भी व्यक्ति भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंच जाए, वहीं पर आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या आरक्षण समाप्त हुआ? नहीं समाप्त हुआ। अगर आप आरक्षित व्यक्ति हैं तो आपको ये बुरा लगेगा, लेकिन इसके साथ ही अगर आप में थोड़ी सी भी ज्ञान है, मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, ज्ञान की मतलब आपकी बातें जानने में रुचि है, ज्ञान की बातें जानने में रुचि है आपकी, तो आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता था कि न तो महात्मा बुद्ध को आप लोग समझ सके और न ही भीमराव अम्बेडकर जी को समझ सके। ये आपकी मूर्खता है, ये आपका दुर्भाग्य है। मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करें और आप वास्तविकता को जानें। बहुत बहुत धन्यवाद।